डायरेक्ट अटैच होगा ये? हाँ डायरेक्ट ही हो सकता है। आर यू श्योर? मुझे लग रहा है कुछ और होता है जिसमें ये अटैच होता है। हाँ वो भी हो सकता है। नहीं तो वो हो सकता है तो वो करना पड़ेगा ना वही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके आगे कोई नॉब होती है उसमें ये लगता है। ओके बोल लिया, अच्छा लगा, सेटिस्फाइड, मन को खुशी हुई कि मैंने बकवास करी है। और उसके पहले जो तुमने किया है, जो बंदर की तरह फाड़ रही थी एक चीज को, कुछ खोल नहीं रहा था तुमसे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो गई, अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैं नहा धो के पूरा तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि आज मेरा राइटिंग सेशन 10:30 से है। सुबह रख दिया था और सुबह उठते ही पता चला कि संभावना की तबीयत हो गई है बहुत ज्यादा खराब। कल जो कह रही थी ना पैरों में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, हम लोग मसाज कराने के लिए गए थे। एक्चुअली वो पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन रात को उसको पैरों के दर्द से फिर पूरा फीवर चढ़ गया, तो मैं उसको सोने दे रहा हूँ अभी। रात को उसने कॉम्बी फ्लेम खाई है, थोड़ा सा फीवर उतरा है, लेकिन अभी सुबह फिर से फीवर हो गया। एक बार देख लेता हूँ मैं, मैंने उसको बोला था कि सो जा 15-20 मिनट और, बट नहीं तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा नेगेटिव को। बेबी बेबी फीवर है क्या? अभी हल्का सा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? बॉडी पेन कर रही है। कॉफी पियोगी चाय पियोगी? हैं अभी सोना है और हैं? चाय बनवाऊं अदरक वाली? क्या दर्द हो रहा है पैरों में अभी भी? चलो आ जाओ तुम बाहर। मुझे मेरी बेबी बाहर आ गई है, कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द है। वो मना कर दो अभी ट्रेनर को वर्कआउट के लिए। मैंने तो चेक भी नहीं किया, अभी तो मैसेज आया होगा। कर दो। मैंने कहा ना कल मेरे वो टांगों में दर्द हो रही थी ना, मुझे लगता कुछ वायरल फीवर हो गया कुछ ऐसा हो गया। पैरों में भी दर्द है बहुत ज्यादा, अब तो कमर में भी हो रहा है। जी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। तबीयत तो मतलब ऐसा है कि अभी इस समय फीवर तो नहीं है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है। चेरी की अपॉइंटमेंट मेरे को मिल गई है, तो चेरी के हेयर कट के लिए मुझे उसको लेके जाना है। अविनाश तो जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। एक तो हर रोज अपना बुलडोजर आ जाता है और कोई ना कोई दीवार गिराता है, खटर पटर खटर पटर, एक घंटा होता है। हाँ पता नहीं क्यों होता है। तो हमारी बिल्डिंग का बुलडोजर जो मेरे घर के पीछे चल रहा है, वो परसों को लड़के आया हूँ मैं रात को। कोई बात नहीं, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि इन दोनों में से किसी को मेरी तबियत से कोई लेना देना नहीं है। सब बुलडोजर की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बुलडोजर जो यहाँ पे गिरा पड़ा है, औंधा पड़ा हुआ है, उसके बारे में किसी को। बेटा मेरे को ना एक कॉम्बी फ्लेम दे देना, एक छोटे से बैग में डाल के दे देना, मैं वहीं पे खा लूंगी। तो मैं चेरी को दे आऊँ वहाँ पे, क्योंकि उसको टाइम लगेगा। बेटा इसको पता नहीं क्या ही गुंडागर्दी है, क्या करूँ मैं इस लड़के का। बेटा चलो आती हूँ बेबी मैं। ये मैंने कोको के लिए रबड़ बैंड ले लिया है, शायद उससे कुछ खाए, मतलब इसको खाएगा तो चुनचुन को नहीं खाएगा। ये देखो चुनचुन, आइए बाबा कोको कोको, ये देखो ओ यूर गुड बॉय कोको, देखो इधर देखो। हाँ तो ये इसमें बिजी हो जाएगा ना। आपको लग रहा हो कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, इनकी स्टोरी सेटिंग चल रही है दोस्तों। चल चेरू, चल बाबा। अरे चेरी की आंखें नहीं दिख रही, सुबह खाना के लिए बुलाया है तो ऊपर तान के देख रहा था। इसकी चेन दे देना। चल मेरा बाबा, चल रोने रोने वाली तो कोई भी बात नहीं है, रोने वाली बात बात भी देनी है। मैं हेयर कट का बता देती हूँ आपको। ओके ओके कुछ नहीं है बेटा ना बाबा, मैं तो यही हूँ ना आपके पास। देखना पीछे ना गिरे, बहुत एक्साइटेड है। क्या है, एक घंटे तक मैंने बरिस्ता पे ही वेट किया, मुझे लगा एक घंटे में हो जाएगा। अभी बात करी उनसे तो उन्होंने कहा एक घंटा और लगेगा, मैं घर जा रही हूँ, एक घंटे के बाद ही आऊंगी। वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं बैठ सकते, आप लोगों को पता ही है। बॉडी पेन, ओहो क्या करूं? करती हूं कुछ, करती हूं अपना, करती हूं, ठीक होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होती जिंदगी। तो जी संभावना चेरी को छोड़ा ही थी, ऑलमोस्ट 2 घंटा हो चुका है, अब हम दोनों लेने जा रहे हैं उसको। मैंने इसको बोला था मैं अकेले चला जाता हूं, तबीयत खराब है, कहती नहीं दोनों जाएंगे। नहीं ना वो बच्चा भी कहेगा ना कि माँ छोड़ने गई थी, बाप आए लेने, ये क्या हुआ, उसको भी लगेगा। और मैं भी अगर ज्यादा पड़ी रही ना घर पे तो मेरे को और ज्यादा ऐसा दर्द होता रहेगा, बॉडी पेन होती रहेगी। तो बाहर निकलूंगी तो बॉडी की मूवमेंट रहेगी। तो एक काम करो ना, तुम्हें बाल तेज हो जाए तो मेरे को पेट में फटना ही पड़ेगा। तो तुम्हें बाहर रहना है तो चेरी की जगह तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारे बाल काट देंगे, चेरी को ले आता हूँ। उसको बाहर का नहीं दिख रहा होगा ना, वो लेट आ गया एक्चुअली, इसलिए हो गया ना कि वो बैठ से जा रही है, वो उठ के खड़ी नहीं हो रही थी। अभी चल रही है क्या कटिंग या सिर्फ कॉम्बिंग चल रही है? लास्ट टाइम कुछ नहीं थे। अच्छा किया ना इसके बाल कटवा दिए। हाँ हाँ चलो आ जाओ, मेरे बाबा यू आर गुड गर्ल, चलो 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 बाबा, चल रहे चल रहे मेरे बच्चा।
चलो भाई आने दो, चलो अंदर तो आने दो ना मिट्टू, आने तो दो, आज चलो 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 आज आ जाओ, स्वागत हुआ चेरू का पूरा। अरे घुसने दो यार, जांच पड़ताल हो रही है। तो जी संभावना की थोड़ी सी तबीयत बेटर लग रही थी तो मैं उसको लेके आ गया हूँ यहाँ पे स्टारबक्स, कॉफी पिकअप कर ली है और अब गाड़ी में बैठ के कॉफी पीते पीते घर जाएंगे और फिर प्लान करेंगे, शायद बच्चों को नीचे बुलाएंगे या कुछ करेंगे। उस तरफ वाली कॉफी तुम्हारी है, देख रहे हो दोस्तों, बीमार मैं हूँ, गाड़ी में मैं ही चला रही हूँ, एक ऐसी बीमारी है। तो क्यों गाड़ी नहीं चलाएगी, मैं चलाऊंगा तो और बीमार हो जाएगी चिल्ला चिल्ला के मेरे ऊपर। तो जी हम नीचे आ गए बिल्डिंग के और बच्चों को नीचे बुला लिया, अमिता लेके आ रही है, अब यहाँ पे थोड़ी खेली खेली करके फिर ऊपर चलेंगे। बच्चों को नीचे खिला के घुमा के आ गए हैं और आज बड़े दिनों के बाद देखो संभावना इस रूम में बैठी है जिसको हमने बड़े प्यार से बनवाया था और हमें यहाँ बहुत मजा आता था, लेकिन इसकी हालत देख लो, जिसको अभी वापस ठीक करना है क्योंकि अब वहाँ का जो है हमारा पूरा काम हो गया, ये पूरा का पूरा सामान उस ड्रॉर में और उस कबर्ड में जो छोटा सा एक एरिया बनाया हुआ है वहाँ का ये सारा सामान सोचा था आज से सेट करना शुरू करूंगी घर, लेकिन मेरे को बुखार आ गया, मैंने आज तो बिल्कुल ब्रेक ले लिया है और अगर कल से तबीयत ठीक हुई तो कल से मैं लगूंगी। लेकिन ये सब करने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन? नहीं नहीं, फिर जितना भी टाइम लगेगा घर उतना ही क्लीन नहीं करना ना, नहीं नहीं सिर्फ बेड का एरिया क्लीन करना है, अंदर का सारा एरिया डीप क्लीनिंग करनी है। तुम्हें कॉल आया उसके लिए? हाँ आया था, उसको रिप्लाई करना है मेरे को, वो इंस्टॉल करके जाएंगे ना, इंस्टॉल करके जाएंगे और वो डेमो भी तो देंगे ना, डेमो भी देंगे, यूज कैसे करना है किस चीज़ के लिए, अभी तक पता नहीं है कि एक बार देख लें क्या अविनाश की कैसे यूज करना है, खोल तो ले कम से कम ले आओ ना सर, खोल तो खोल के तो देख लूं। ये जो ऐसी ऐसी चीजें है ना, ये सब जो पड़ा हुआ है ये सब क्लीन हो जाएगी ना उससे, यही सबसे गंदा लगता है घर में जो इसके अंदर धूल मिट्टी जमी ना, तोते का खाना है सारा। क्या हुआ, ये तुम बोल रहे हो? हाँ तुम करोगे ये सब? नहीं मैं क्यों करूँगा, मुझे याद आ रहा है मुझे तोतों का खाना लाना है, देखो जरा गंद देखो अंदर, गंद देखो, गंद तो सबसे ज्यादा तोते का खाना ही है। नहीं वो भी जाए लेकिन ये निकलना भी चाहिए ना, एक बार जरा लाओ तो सही, देखे तो। डरने वाली बात नहीं है चिंचा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो इसको ऐसे ही खड़ा कर दो ना निकल जाएगा। लेकिन एक बात बता दो कि हम लोगों ने बेस्ट वाला लिया है, महंगा जरूर पड़ा है डेफिनेटली, मतलब अविनाश तो बिल्कुल उसमें नहीं था, बट मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी नीड है, ग्रीड नहीं है, नीड है, नीड के लिए सही वाली चीज लेनी चाहिए जो आप प्रॉपर काम कर सको, दूसरे वाले मेरे को बहुत हैवी लग रहे थे, यही सबसे लाइट वेट था और यही सबसे बेस्ट था। वेलकम टू द फैमिली बेटू। अरे ये तो तुम्हारी गन जैसा लग रहा है, जो गन नहीं ली थी तुम्हारी, हाँ। वो ऐसी पैक थी ना? हाँ गन ही है ये भी ऑलमोस्ट, बस तरीके से निकालना जैसे निकालते ना इंसान। इसका एक ही लगाना, सबसे पहले ये लगाना है। नहीं नहीं तार का है, कौन सी तार? इसकी तार, अच्छा तार तो जरूरत ही नहीं है ना, चार्ज कैसे हुए? वो दिया होगा ना इसका चार्जर, मैं तार क्यों सोच रही थी, तार ये तो तारलेस है, वायरलेस, मतलब वायरलेस, ये थोड़ा बहुत तो चार्ज होगा ऑलरेडी, देखे मीडियम बैटरी, मीडियम बैटरी है, तो सबसे पहले लगा के ही देख लेते हैं एक बार, है हाँ, सीधा सबसे छोटा वाला कोई इसका वो लगाओ अटैचमेंट, कारपेट वाला ही लगा लो ना, कारपेट नहीं, सामने कारपेट वाला नहीं, ये निकालने वाला है, वो तो फिर सबसे पतला वाला जो यहाँ पड़ा हुआ था वही था ना, काट गया कमीने, मुझे और कुछ भी अटैच होगा क्या उसके पहले, डायरेक्ट अटैच होगा ये? हाँ डायरेक्ट ही हो सकता है। आर यू श्योर? मुझे लग रहा है कुछ और होता है जिसमें ये अटैच होता है। हाँ वो भी हो सकता है, नहीं तो वो हो सकता है तो वो करना पड़ेगा ना वही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके आगे कोई नॉब होती है उसमें ये लगता है। हो गया बोल लिया, अच्छा लगा, सेटिस्फाइड, मन को खुशी हुई कि मैंने बकवास करी है, और उसके पहले जो तुमने किया है, जो बंदर की तरह फाड़ रही थी एक चीज को, कुछ खोल नहीं रहा था तुमसे। तो दोस्तों श्री गणेश करने जा रहे हैं हम, पावर बढ़ा लेना इसका। बैटरी
बैटरी खत्म हो गई तो इसको निकाल के भी एक बार देखते हैं। उसको निकालना आता है तुम्हें? नहीं तो रहने दो ना फिर। नहीं ये इसके अंदर गंद है ना पूरा। लेकिन निकालना नहीं आता ना, मोटर है उसकी मत खोलो। ऐसे सब कुछ दबाने से नहीं होगा, बच्चे करते हैं काम और खराब कर देते अपने खिलौने। ठीक है या तो मैनुअल पढ़ लो और या फिर याद करो उसने क्या बताया था। इतना कचरा निकला, बहुत सारा कचरा निकला, लेकिन ये कचरा अभी के अभी निकालना पड़ेगा। ये देखो उसका बीज खाली है। हाँ तो बीज ही निकाला ना, इतना ही निकाला, निकल गया। तो जी आप देख सकते हो इतना कचरा जितना निकालने की कोशिश की थी उतना ही निकला है। अब बाकी जब तक मैं कल सीख नहीं लूंगी तब तक निकालूंगी नहीं।